अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपके घरों में बच्चे जब आप अपने खाना वगैरह देते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ हमें अच्छा खाना है, अच्छा खाना है, तो बस मम्मियां तो यही सोचती रह जाती हैं कि भाई वो अच्छी चीज़ होती क्या है, क्या ऐसा बना दें। तो बस वही हल्का फुल्का शाम के टाइम का नाश्ता लेकर की रेसिपी आ गई हूँ आपके लिए मैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिए हैं 4 पोटैटो, उसे अच्छे से मैश कर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने जिंजर और गार्लिक चॉप डाला है, बहुत बारीक चॉप किया था। यहाँ मैं कोरिएंडर लीव्स को भी ऐड कर दूंगी, और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून डाला है ज़ीरा, 1 टीस्पून डाला है यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून यहाँ मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून यहाँ मैंने ऐड किया है चाट मसाला, और 2 टेबल स्पून यहाँ मैं मैदे का यूज़ करूँगी, मैदा ऐड कर दूँगी इसमें। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे, एक जान कर लेंगे इनको, ताकि ये एक अच्छा सा ना डोसा बन जाए। मतलब अच्छे से हमें सारी चीज़ों को, स्पाइसेस को, मैदे को हमें इस तरह से एक इस शक्ल में देना है, डो की शक्ल में। अब देखिए, हम लेंगे इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे आलूओं की। और ये इतना सिंपल, इतना टेस्टी नाश्ता है ना, कि आप अगर एक दफ़ा इसे बना लेंगे ना तो हमेशा बनाएंगे इसी मेथड के साथ इंशाल्लाह। तो देखिए, यहाँ मैंने एक आलू की ना एक बॉल सी ली, उसकी ऐसी टिक्कियाँ बना दी, और जो आपके पास स्पून हो लकड़ी वाला तो देखिए उसके पीछे वाली जो साइड होती है उससे आप इस तरह से होल कर लें। इसमें देखिए, इसको हम डोनट की शक्ल देंगे, जैसे डोनट होता है ना, तो ये डोनट तो नहीं है लेकिन ये है आलू का बहुत ही ज़बरदस्त वाला स्नैक्स, और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। सारे देखिए मैंने बना लिए हैं, ये आप इसे डोनट भी कह सकते हैं, और आलू का ये नाश्ता बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो देखिए, हम ना क्या करेंगे, ऑयल को हम कर लेंगे मीडियम हॉट, हमें बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए गर्म। और इसे हम जब तक नहीं पलटेंगे, जब तक ये नीचे से ना थोड़े से ये फ्राई नहीं हो जाते हैं, ये खुद ब खुद जो है ऑयल पर, मतलब ये ऑयल से खुद ही, कढ़ाई से खुद ही छूटने लगेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ अभी हम इसको करेंगे फ्राई अच्छे से, अभी ये फ्राई नहीं हुए, हम इसे पलट पलट कर अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरह से इसकी शक्ल निकल कर आएगी, देखिए कितने क्रिस्पी एंड क्रंची, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर हमारा ये आलू का नाश्ता तैयार हो चुका है। केचप और हरी चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे, ऊपर से कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, आप इसे इंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। तेरे को फिर लाइक करो, बेल लगा दबाओ।